राइट जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की टीम का ऐलान हो गया है, स्क्वाड जो है वो आपके सामने है, या आप फटाफट जो स्क्वाड है वो देख लें और ये तमाम तरह प्लेयर जो है वो टीम में शामिल है। राइट, टीम पे बात करते हैं, ये जो टीम सिलेक्शन है ये बताएं कि दानवे और सुहेल, ओवरऑल टीम में मसले मसाइल जो है कौन से ऐसे हैं जिनको एंट्री मिल गई और नहीं मिलनी चाहिए थी? कोई ऐसे नाम दो से ज्यादा नहीं होंगे यार आप लोगों के पास? हाँ, मेरे ख्याल में अगर शोबे के हिसाब से चले अगर तो फिर काउंट कर लेते हैं कितने। बॉलिंग पे आ जाएं, बॉलिंग में कोई एतराज आ दे क्यों सुहेल? देखें, बॉलिंग पे वैसे तो कोई एतराज नहीं है। हसनैन को बिग बैश के तजुर्बे पे शायद मेन स्पॉट में ले लिया गया है, उन्हें ट्रेवलिंग रिजर्व होना चाहिए था, और शाहनवाज दानी को मेन स्पॉट में होना चाहिए था, बाकी तो मुझे कोई एतराज नहीं है बॉलिंग पे। सुहेल पेस की वजह से भी लिया है ना उसको ऑस्ट्रेलिया में? हाँ, ऐसा ही है, शायद यही फैक्टर है। और मेरा ख्याल है कि अभी मैचेस बाकी हैं, देखें धानी उनकी जगह ले लेते हैं या क्या होता है, अभी फिटनेस भी पता नहीं है चाइना अफरीदी की, ये तो फिर उसी वक्त होगा। हाँ, स्पिन का शोभा जो है वो सही है, उस्मान कादिर स्टिल हैज टू प्रूव अ लॉट, लेकिन बहरहाल बॉलिंग में सिलेक्शन सही है। सही है, चलो अब आ जाते हैं, क्या नाम है, आ जाते हैं बाकी शोभों पे। ओवरऑल अगर टीम की हम बात करते हैं, इसमें कौन है ऐसे आपको लगता है जिनको गलत एंट्री मिल गई है? सुहेल और दानवे मेरे हिसाब से तो गलत एंट्री। यार ये क्या लफ्ज इस्तेमाल हो रहे हैं भाई, ये लफ्ज आप इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? गलत एंट्री, पैथेटिक एंट्री, ओ भाई पैथेटिक एंट्री, पैथेटिक एंट्री क्या बोलूं यार। हां, आप बोले पैथेटिक एंट्री, लफ्ज एंट्री तुम्हारे लबों पर आ रही है, गुस्सा करने के लिए तुम जा रहे हो, क्या बात कर रहे हो? असल में पहले ये होता था कि एक दो खिलाड़ियों के ऊपर राय आम्मा जो है वो मुत्तफिक नहीं होती थी, अब ऐसा हो रहा है कि पूरी दुनिया जो है वो तीन चार नामों पर वो एक तरफ है और रमीज राजा और उनकी टीम में क्या वर्ल्ड कप में क्या वर्स्ट, मतलब मुझे बताएं क्या वर्स्ट ये सिलेक्शन है? इससे पहले पाकिस्तान में कभी नहीं हुई, इससे बड़ी बड़ी तारीफ भरी पड़ी है यार आप लोग इसको लेके बैठे में। यार इससे ज्यादा ना एक वहां एक राय वाली कभी भी नहीं हुई, और इसमें मैं बताऊं 2015 के वर्ल्ड कप पे आप बात कर सकते हैं, वनडे के वर्ल्ड कप में उसमें तो कुछ चीजें थी, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही हो गया है तो मुझे लगता है फिर वो से ज्यादा हो गया है। क्या मिडिल ऑर्डर की, मिडिल ऑर्डर की बात कर लिया जो नहीं होना चाहिए, बताओ ना भाई। देखिए, फखर को नहीं होना चाहिए था, इंजरी ने उनकी थोड़ी सी इज्जत रख ली और उनकी जगह शान मसूद आ गए, दैट्स द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड। ठीक है, रिजर्व ट्रैवलर है, ठीक है, लेकिन जाहिर है कि उन्हें मेन स्क्वाड में या प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए था। मैं भी इनको रिजर्व में रख लेता, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस इनकी है नहीं। एक नाम हो गया और नाम बताएं, आसिफ, खुशदिल और इफ्तिखार, ये कब डिलीवर करेंगे भाई? ये मेरी जिंदगी तो अब मतलब अब इतनी हो गई है, ये चार साल से टीम में शामिल हैं, कब इन्होंने डिलीवर करना है? आपके ख्याल में नान भाई नहीं होने चाहिए, इनको अल्टरनेट बताएं जो होता टीम में, करंट फॉर्म पे इनको नहीं होना चाहिए, और इनके अल्टरनेट के तौर पर तीन बैट्समैन टोटली लेने की हमें जरूरत भी नहीं है। अगर आप कहते हैं इमाद वसीम वहां पे होने चाहिए, सरफराज वहां पे 42 की आपके नेशनल T20 में एवरेज लेके इस वक्त स्कोर कर रहे हैं होने चाहिए शादाब स्क्वाड में, और आप कासिम अकरम को ले सकते हैं अगर आपने नौजवान लेना है। अगर फेलियर ही मसला है ना कि यार फेल ना हो जाए कहीं, तो आज से खुशदिल तो मुस्तकल हर मैच में फेल हो रहे हैं, 10 मैचों के बाद कहीं जाके दो छक्के मार के मारने वाला जो खुशदिल की तरह चार छक्के लगा दे, आसिफ की तरह एंड में आके 12/25 बना के आपको मैच जिता के चला जाए, ऐसा आपके पास है कोई हार्ड हिटर पाकिस्तान के पास जैसे ये दो है? भाई ये करीम जन्नत और हांगकांग के खिलाफ तो छक्के मुझे लगता है आप भी लगा देंगे। इंटरनेशनल टीम थी ना, ये क्या बात कर दी? क्या भाई, फिर एक काम करें उन्हें नहीं, फिर एक काम करें वर्ल्ड कप को कैंसिल करा के हांगकांग और फोर के क्वालीफाई किया अफगानिस्तान ने, ये तो ना भूलो, इंडिया को पाकिस्तान को वर्ल्ड कप 50 में टफ टाइम दे चुकी है इससे पहले। नहीं भाई, मैं तो कहता हूँ आप वर्ल्ड कप को छोड़े, हांगकांग और सऊदी अरब के खिलाफ सीरीज करवा दें। ये तो देखें एक कंसिस्टेंसी भी भाई कोई चीज होती है, मतलब 12-13 की 14 की एवरेज से लेकर अब एज अ स्पेशलिस्ट बैटर कैसे आप सिलेक्ट हो सकते हैं टीम में, खुशदिल की बात कर रहा हूं मैं, आसिफ की तरह पिछले आप 10 इनिंग में जो है वह 21 नॉट आउट बेहतरीन स्कोर है, 16 आपसे टापे नहीं जाते, जिन मैचेस का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक साल से ज्यादा पुरानी बात हो गई भाई, अब मतलब उस परफॉर्मेंस के बाद बीच में जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जो इसमें इंडिया के खिलाफ खेले हैं वो डॉली कैच 0 पे देने के बाद वो मतलब आउट हुए, बाकी इसके अलावा 2 फर्स्ट बॉल डक्स उनकी जो है वो वैसे ही आ गई बड़े मैचेस में। चले तो ठीक है, आपको चार नामों पे एतराज है, सुहेल कौन से ऐसे नाम है आपके ख्याल में जो इसमें नहीं होने चाहिए? ये अदनान भाई की बात है, 200% इत्तेफाक करूंगा, फखर चलो चले बचे तो गई, इफ्तिखार, खुशदिल और आसिफ, मैं समझता हूँ कि आप पहले शोएब मलिक को ले आते, मैं तो कहता हूँ शर्जील खान को ले आते, आप तैयब ताहिर को ले आते, मैं तो कहता हूँ वो भी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं, बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, आप कामरान गुलाम को ले आते,
आप किसी को भी ले आते हो, मुझे जो है वो एतराज है मुझे इन सब पे। और आप हाँ तो एक ऐसे और नाम एतराज बता भी रहे है, हैं, तो डेविन रिचर्ड का नाम भी ना ले देना भाई तुम। भाई ये जो आप दिफा कर रहे हैं ना, ये मुझे समझ में आ नहीं रही, ये कहानी है क्या? दिफा कर रहे हैं ना ये जो टीम तो बैठ के, आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ेगी हमें, मुझे मामला आज कुछ ठीक है नहीं मेरा ख्याल है तो अभी शोएब इस्लाम, मलिक आपके अब प्लान में नहीं है ना, इन्होंने क्लियर बता दिया। तो शोएब भाई मलिक को नहीं लेकर क्यों है आपको, पहले आपने उसका जब प्लान में बैकअप नहीं था, तैयार किया खेलने ही के नहीं बाद भाई, बेकार उसका आ गया। बैकअप आपने तैयार नहीं किया, तो आप उसको ले, शर्जील खान को भी आप टीम में ले लेते, मैं तो कहता हूँ। एक और हाँ इतराज है, अदनान पे भी इतफाक करेंगे, पता नहीं आपके इरादे मुझे नेक नहीं लग रहे, इसलिए आपसे मिडिल शायद ऑर्डर इतराज में ना बात हो करें। रही, तुम शर्जील को मिडिल में खिलाते, खिला पांचवें लेते चौथे भाई, पावर प्लेयर हिटर नंबर। है। हाँ खिला नहीं लेते भाई, शर्जील को पांचवें ओपन चौथे करा के खिला लेते। बाबर को हाँ मिडिल में ले आए भाई, हाँ खिला शर्जील लेते, को ओपन खिला करा लेते, लेते। खिला अच्छा लगाइए भाई, ओपन में कैसे आएगा वो नीचे? भाई मुझे मोहम्मद हारिस पे भी सख्त एतराज है, अदनान भाई को भी होगा ट्रेवलर रिजर्व है वो एतराज नहीं बनता आपका। नहीं, एतराज अलग ट्रेवलर बोला, रिजर्व है तो वो उनको बैटिंग की क्वालिटी की वजह से सिलेक्ट किया गया, या कीपर को बहुत आला है वो, आंख बंद करके चले पीट आप लोग ग्यारह बॉलर ग्यारह की तरफ बनाए, करके अदनान कैच ने पकड़ते ग्यारह हैं। बनाए, सोहेल ग्यारह बनाते हैं, चले आप ग्यारह ग्यारह बनाए बनाए, सोहेल, अब सोहेल ग्यारह ग्यारह बनाए बनाए ग्यारह बनाए। भाई। मेरे 11 हैं, बाबर आजम, रिजवान, शान मसूद, हैदर अली, इफ्तखार अहमद, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, आसिफ अली और उस्मान कादिर में से कोई एक, शाहीन, नसीम और हारिस। आपको 11 बनाते हुए मसला हुआ है सोहेल? नहीं अब जो आपने जो आपके ऑप्शन थे उनमें से तो मैं एक यही बनाऊंगा। नहीं 11 बनाते हुए ज्यादा सोचना पड़ा है, बन गई ये पूछ रहा सोचना पड़ा है भाई, मजबूरी मजबूरी में बनाई है, हूं। गन ए पॉइंट पे फरफड़ बनाई है। आपने खुदा का खौफ करो सोहेल, फरफड़ तुमने ओ भाई 11 बनाया, गन पॉइंट, इसमें गन पॉइंट पे बनाई है 11 मैंने। बनाते हाँ हुए मसला नहीं हुआ, इसका मतलब स्क्वाड अच्छा है ना यार। अच्छा है, बहुत ही यकीन करें, क्या मैं बोलूँ आपको। अच्छा ये असल बताएं, में एक सेकेंड ना, इंग्लैंड से, एक इमरान सेकेंड भाई इंग्लैंड आपका सीरीज, नंबर एक है? हाँ सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, बोलो बोलो बोलो। आप इंग्लैंड सीरीज और T20 वर्ल्ड कप पे कॉमेंट्री कर रहे हैं? हाँ हाँ इंशाल्लाह। हाँ तभी स्कॉट बहुत अच्छा है, तभी क्या कह रहे हो जबी? तो स्क्वाड स्कॉट बहुत बहुत अच्छा अच्छा है है जबी। भाई। मैं एक सेकंड, पीसीबी की तरफ से कॉमेंट्री जो है ना मैंने अच्छा गिनना छोड़ दी है, वो आपको भी पता है, आपकी तरफ मैंने विनिंग भाई टीम की थी कॉमेंट्री पीसीबी की तरफ से। पीसीबी की आप तरफ से मैं कॉमेंट्री पैनल में भाई नहीं होता, एक अलग इदारा है, सुनने इसके बाद वाले राइट वन होते हैं उनसे नो, तो कॉमेंट्री पे। कोई मुझे मजा भाई यार, उन्होंने कोई शोएब मलिक पे हम इल्जाम लोगों लगा को भी दिया था, कोई मुझ पर इल्जाम लगा दिया यार, बाहर आओ भाई यार। वजह कोई हमें भी मिल जाए ना स्क्वाड को अच्छा कहने की, हाँ हाँ हम ना भी यार, हमको कहते कोई हैं। ना कोई वजह लेकिन मिल भाई रहा मेरे होगा। इलेवन में वैसे भी एक बात, अदनान भाई पीसीबी ने तो सोहेल पे भी पूरी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है 9 मिनट की, अब बोले नहीं सोहेल को भी तो तो मिला है, वो क्या मिला था, कौन सा अवार्ड पीसीबी की तरफ से? हाँ वो पीसीबी की तरफ से नहीं, मेरा ख्याल है वो एक बैंक की तरफ से मिला है, वो बैंक की तरफ से चाहे मिला वो था। बैंक स्पॉन्सर था लेकिन मिला हाँ पीसीबी की तरफ से, कौन सा था सोहेल? हमारे हीरोज अवार्ड, लगता है हमारे अब हीरोज लगता है अवार्ड जो अवार्ड है। मिलना हाँ लगता है खत्म हो गया, जब भी तुम शुरू हो गए हो। उसके पीछे रमीज राजा हाँ थे सोहेल, ये याद रखिएगा, ये उस बात भी अवार्ड मुझे के याद पीछे है। रमीज इमरान राजा भाई थे, 11 मेरी बनाए आप, 11 ग्यारह11 भी बनाए। यही है सोहेल वाली, लेकिन इसमें बहुत ही मजबूरी के तहत इफ्तिखार को और आसिफ अली को वाकई में अल्टरनेट उस्मान कादिर हाँ से हमें सही, करना है, और कंडीशंस देख के, अगर अगर स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस हैं तो उस्मान कादिर खेल लें, वरना आसिफ अली को रखना मजबूरी, हमारे पास है नहीं ना कोई, और किसको कोई और नहीं खिलाएंगे। ठीक है, बस 11 आप लोग आराम से बना रहे हैं, इसलिए आप लोगों की तनखीद जो है ना मुझे लगता नहीं सूटेबल है। हाँ सरफराज पे कर सकते हैं, बैकअप नहीं है, सरफराज को होना चाहिए था यार, ये गलत किया ऐसे। अच्छा बताइए, हम आसिफ को और इफ्तिखार को बहुत ही मजबूरी के हालत में रख रहे हैं टीम में, मजबूरी और यकीन करें, बैटिंग लाइनअप हम आप लोग डिसाइड नहीं कर ऑल्टरनेट सकते। बता नहीं पर रहे, लंबे छक्के कौन मार सकता है, मजबूरी के आलम में रख रहे हैं यार ऑल्टरनेट लंबे दे छक्के रहे तो टेलेंडर्स मार रहे हैं आजकल, हैं। इमाद राट वसीम भी छक्के वही मार लेना, मारेगा खिला जेरी को, लें लगता था दिल शाह की तरह। इमाद वसीम को, खिला लें वो छक्के मार लेगा भाई। आज अमाद भट्ट ने 2 छक्के मार के जितवा दिया, हाँ जबरदस्त जबरदस्त जितना वो अमाद भट्ट, हाँ अमाद भट्ट को मैं बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं, आसिफ मैं उन्हें क्या बड़ा नाम है पसंद करता पूरा, हूँ, वो लड़का जो हैट्रिक किया जिसने कल, आसिफ महमूद, आसिफ महमूद आसिफ महमूद जो है वो छक्के मांग भी का मार लड़का है रहा है, वो उसका। बॉलिंग में भी हैट्रिक कर रहा है, जान मार रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। आमिर जमाल भी छक्के भी मारता है, विकटे हाँ भी सही लेता है, बात है, ऐसे छक्के तो खिलाड़ी मोहम्मद को रियाज लेने का में भी, फायदा क्या है? सरफराज आसिफ के जैसे दो वन सोच में रहेंगे, डायमेंशनल प्लेयर, आसिफ सरफराज वन के दो डायमेंशनल सोच प्लेयर है, क्या हो गया, सर सरफराज के साथ क्या मसला है, दो सोच। सरफराज सरफराज के साथ मसला वही है कि आगे की तरफ देखने के बहाने जो है वो उनको साइड पे किया जा रहा है, बाकी जो मसला है वो इस वक्त पता नहीं, ये सोशल मीडिया पे बैठ के हम कहें तो पकड़े ना जाए, मसला जो है वो वही है कि बलूचिस्तान और सिंध से मतलब कोई खिलाड़ी हाँ लेना नहीं है, हसनैन चूंकि ठीक बिग बैश चले गए थे तो इसलिए वो आ गए, धानी के ऊपर काफी सारा प्रेशर है, उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो आपको 2 सिंध के खिलाड़ी स्क्वाड में नजर आ रहे हैं, वैसे मैं वरना बात आगे बढ़ाऊंगा ऐसा अदनान भाई लगता की, है कि हारिस कराची की में जगह कोई तो नहीं आप, खेलता क्रिकेट, हाँ बलूचिस्तान में कोई नहीं खेलता हाँ क्रिकेट। हारिस की जगह भाई, हारिस की जगह ट्रेवलिंग जैसा हसीबुल्ला खान भी बेहतर, धोनी को ले जाना।
तुम पाकिस्तान की ए टीम भेज देते ना वर्ल्ड कप में यार, ऐसा करते। तो पाकिस्तान की ए टीम एशिया कप में, एशिया कप में होके तो आइए पाकिस्तान की ए टीम, खुशदिल शाह, इफ्तिखार, पता नहीं कौन कौन, ये मतलब ये गए तो थे ए टीम। अच्छा एक बात बताएं, ये सोहेल ज्यादा बेहतर बताएगा यार, ये क्या है सोहेल के नॉर्दर्न की टीम से 7 प्लेयर पाकिस्तान की टीम में शामिल है और बाकी नहीं है, क्या मसला है यार? एक जमाने में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पाकिस्तान की थी, एक जमाने में नॉर्दर्न की टीम अब हो गई है, ये तो पाकिस्तान का अच्छा। अभी क्या मसला है, तो अभी पूछ रहा हूँ मैं, 7 नॉर्दर्न के और अच्छे प्लेयर कहीं नहीं है? मोहम्मद वसीम का क्या रिलेशन है इससे? वैसे तो मोहम्मद वसीम नॉर्दर्न के पहले कोच थे और नेशनल टी ट्वेंटी के चैंपियन थे, फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट में भी थे। बाकी रीजन का भी कोच बना दो ना, ताकि नजर गरम पड़ जाए। बना दे तो बना दे ना, बना दे भाई बना दे। वो बेचारे कुछ नहीं करते, यकीन करें, अगर आप क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनेंगे आप बोलेंगे ना मुझे ले लो, वो बोलेंगे हाँ भाई दानिश नहीं मवासी सिलेक्टेड। नहीं ये असल में रमीज राजा की टीम है मेरे ख्याल में। हाँ, रमीज राजा जो है उनको बहुत पसंद थे उस जमाने में वो खिलाड़ी जो, जैसे आसिफ हैं, खुशदिल हैं, ये उस जमाने में एक आध छक्का मार देते थे जिस वक्त पाकिस्तान पे इल्जाम था कि निदा डार जो है वो बाउंड्री क्लियर कर सकती है, पाकिस्तान की लेवल में कोई बंदा नहीं है क्लियर करना, तो बहुत ही वारी सकते रमीज जो है वो कमेंट्री में जाते थे, खुशदिल पे भी, आसिफ पे भी। इफ्तिखार जो है वो 2 ओवर टिक जाते थे, कोई टिकता नहीं था, तो वो भी इनको बहुत पसंद थे। तो इनका भी विजन जो है वो रमीज का जो है थोड़ा सा महदूद है, काफी मतलब सिर्फ एक मतलब डायमेंशन देख रहे हैं। आप लोग इतना भी खुशदिल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में ये 2 ओवर में ना 36-40 बनाएंगे, देख लीजिए आप। और आप कमेंट्री कर रहे होंगे वो तो इंशाल्लाह। क्रिकेट 2007 में अगर वो खेल रहे होंगे तो 6 छक्के तो मैं भी मार लेता हूँ भाई उसमें। हाँ वही बात है, और नेट में 150 छक्के मारते हैं भाई आसिफ, बीच में 600 दफा आउट भी होते होंगे। आउट हो जाते हैं, हाँ आउट होंगे तो घर जाएंगे। ये भी ख्याल रखिएगा, ये बाबर नीचे आके खेलेंगे नहीं खेलेंगे भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। वो बाबर नहीं बेकार, बाबर रिजवान का गेम खराब कर रहे हो ऊपर के नंबरों पर। रिजवान भाई ये पाकिस्तान की टीम नहीं है भाई, मैं समअप कर देता हूँ, ये टीम रमीज राजा, बाबर आजम और रिजवान की, और एट समिशन वसीम डमी की है और किसी की। तो क्या बुराई है भाई, अगर उनकी टीम है, चेयरमैन है, टीम है, तो क्या बुराई है इसमें यार, ये क्या लॉजिक है स्पेल? ये तो छोटा कर रहे हैं, आपको पता है? अच्छा आप लोगों को पता है कि रमीज राजा के बेटे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, हैदर रमीज, एचबीएल से, शुक्र उनको नहीं ले लिया। तो मना है कि नहीं, तो अभी इफ्तिखार के बच्चे भी आने वाले हैं, उनका सबसे छोटा वाला बेटा अंडर 19 के कैंप में था। इंजमाम है, रजाक है, मिसबा है, सबके बेटे खेल रहे हैं, सबके बेटे जो अभी टीम में है लोग उनके भी आ रहे हैं। आसिफ की, इफ्तिखार की और शुएब मलिक की असल उम्र में को बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, शुएब मलिक थोड़े से ही छोटे होंगे उनसे। अच्छा आखिरी पॉइंट मेरा ये है, जाते जाते बताएंगे सरफराज का चैप्टर क्लोज हो गया है, क्यों 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 क्लोज हुआ नहीं है? सरफराज का चैप्टर क्लोज कर दिया गया है। व्हाई यार? बस वो बहुत सारी बातें जो अदनान भाई ने भी कही, ये तो 2015 के, 2015 के वर्ल्ड कप तक ही चले जाएं जो जिक्र की। सरफराज जा सकता था, हारिस फ्लॉप जो हमने देखा, रन नहीं कर पा रहा है, रिजवान लेकर गए हैं इनके साथ, हकीकत ये भाई। अच्छा मैं मेरी तरफ से आखिरी कमेंट है, मैं समअप कर देता हूँ अपनी बात। मसला ये है कि बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो खासतौर पर सीनियर्स हैं, उनसे डरना बाबर आजम एज ए कैप्टन उनका मसला है, और उनको कंफर्टेबल करने के लिए इमाद वसीम, शुएब मलिक, सरफराज अहमद, इवन हारिस सोहेल, और किसी हद तक शान मसूद भी, कि अच्छी पर्सनालिटी वाले, इंग्लिश बोलने वाले, जबरदस्त मतलब खिलाड़ी, डायनामिक खेल, कल को कहीं कप्तान ना बन जाए, सीनियर्स के सामने मुझे सर ना झुकाना पड़े। तो ये आपको जो सीनियर खिलाड़ी हैं, आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, ये मतलब कोई हम कल की या कोई 100 साल पुरानी बात नहीं कर रहे हैं कि शोएब मलिक और इमाद वसीम जो है लास्ट वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच हुए थे, इमाद वसीम जो है वो आज CPL में आज वो मैन ऑफ द मैच हो रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि 30-32 साल की उम्र में जो बंदा वो रिटायर हो जाएगा या सरफराज हो जाएगा, बात वही है, पसंद ना पसंद पे है। ठीक है आज मोहम्मद हारिस और रिजवान पे अपना मेहरबान है किस्मत, तो ऐसा ही होता रहेगा। और आखिर में मैं आखिर में यही कहूंगा कि रिजवान वगैरह पे तो रमीज राजा और रिजवान ऐसे टॉपिक है जिन पे अलग अलग पूरी वीडियोस हो सकती हैं, इन पे क्या कहना, वो कभी बाद में इस पे बात करेंगे। हाँ, दुआ ये है कि रिजवान को नहीं करेगा तो मैच हार जाओगे। रिजवान को आउट करने का, सोहेल रिजवान को आउट करने का मैं तरीका बता देता हूँ, इनको पहले फ्रस्ट्रेट करें आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अगर उनका थर्ड मैन पे चला गया चला गया, आगे कोई शॉट नहीं जाएगा, लेग स्पिनर इनको बीट करता रहेगा, लेग स्पिन को जो है वो लेग पे खेलने की कोशिश करेंगे बल्ला घुमा के। सर अभी ये वीडियो का जो सिलसिला शुरू हुआ है, आप मेरे साथ बैठ जाएं, दानिश भाई बैठ जाएं आप मेरे साथ, अभी अफगानिस्तान का भी स्क्वाड आया है, किसी और दिन बैठे, कल आए परसों आए, अफगानिस्तान का स्क्वाड देखे इससे बेहतर है।
यार मैं तो अपनी टीम के स्क्वाड को ओन करूंगा, आप अफगानिस्तान को ओन करना है तो करें। मैं तो टीम के स्क्वाड को डिस्कस करने के लिए अभी नेशनल टी20 का भी थोड़ा सा जायजा लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ाते हैं। मैं देखें, सबने अपने लास्ट वर्ड से मैं भी बोल दूं, इस टीम में अगर आप स्क्वाड की बात करते हैं ना, दो तीन से ज्यादा चेंज नहीं बनते हैं। हर वर्ल्ड कप में फड्डा दो तीन का होता है, चलो शादी नादिर एक आध का तो होता ही होता है ना, तो ठीक है यार स्क्वाड, हाँ एक दो की आप बात कर सकते हैं, लेकिन आप इनको कॉन्फिडेंस देना तो ये रन करेंगे। सरफराज से क्वेश्चन मार्क है, बैकअप के तौर पर उनको होना चाहिए था। अब आपका क्योंकि शान मसूद के आने से ना, आसिफ खुशदिल और इफ्तिखार में से ना कोई दो लोग ही खेलेंगे, तो आपका इफ्तिखार वाला फैक्टर भी जो आप समझ रहे हैं वो भी यहाँ पर वो नहीं, मतलब तीन में से दो ही खेलेंगे ना फिर तो। चलो खैर, अब जितनी बात करेंगे बात बढ़ेगी, बात हम बाद में बढ़ाएंगे, फिलहाल इजाजत बढ़ेगी, पड़ोस में चली आएगी। चलो ठीक है, ये रख देते हैं। अल्लाह हाफिज।